फर्स्ट पिक्चर में जो आपको केक दिखाई दे रहा है वो फुल ड्राई फ्रूट्स का प्लम केक है. अभी सेकेंड में जो डाला है मैंने सिर्फ शुगर ड्रिजल किया है. हाय हेलो वेलकम नमस्कार फ्रेंड्स टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस. दिसंबर महीना स्टार्ट हो गया है, उसी के साथ स्टार्ट होते हैं क्रिसमस की तैयारियां और न्यू ईयर की तैयारियां. तो क्रिसमस में मेन जो केक बनाते हैं वो है प्लम केक, जो कि एक बहुत ही हेल्दी केक है, ड्राई फ्रूट्स वाला, लेकिन इसमें गरम मसाले डलते हैं, इसलिए ये केक सबसे हटके है. तो फ्रेंड्स, केक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. उसी के साथ साइड में जो बेल है वो भी प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप ऑरेंज जूस, उसी में डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे गोल्डन किशमिश, ब्लैक कलर के प्रून्स, ड्राई डेट्स यानि खजूर, ड्राई खजूर डालेंगे, और ये है फिग्स यानि अंजीर और कुछ कटे हुए चेरीज. अभी इन सबको डालना है इस ऑरेंज जूस के मिक्स में और एक घंटे तक इसको भिगो के रखना है ढक के. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑरेंज जूस, लेकिन नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स को रम में भिगो के रखते हैं, लेकिन हम भिगोएंगे ऑरेंज जूस. जब तक ड्राई फ्रूट्स भीग रहे हैं हम हाफ कप रूम टेम्परेचर मिल्क में ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर. यानी इससे क्या होगा, दूध फट जाएगा और अच्छी तरह से ये केक की प्रोसेस में हमें मदद करेगा केक फ्लफी बनाने के लिए. तो इसको मिक्स करके रख देना है. एक घंटा हो गया है, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से ऑरेंज जूस में भीग चुके हैं. अभी इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक छलनी में अच्छी तरह से छान के इस ऑरेंज जूस को साइड को रख देना है, और बोल में ड्राई फ्रूट्स पहले डालने हैं. उसी के साथ हम डालेंगे केक मिक्स जो है 1 कप. केक मिक्स की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, उसकी लिंक मैंने दे के रखी है. उसके साथ उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें डालेंगे ऑरेंज जूस और अच्छा सा मिक्स दे देंगे. मिक्स देने के बाद जो हमने दूध लिया है विनेगर वाला, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ ना डालें. जैसे केक बैटर की कंसिस्टेंसी होती है मैं दिखा रही हूँ, वैसे ही हमें ये करना चाहिए. और अभी फ्रेंड्स ये डालने के बाद 1/4 कप या 3-4 टीस्पून्स मेल्टेड बटर हमें डालना है, और इसे एक अच्छा सा मिक्स भी देना है जब तक हमें केक बैटर जैसी कंसिस्टेंसी ना मिले. अब हम डालेंगे इसमें सारे ड्राई मसाले, वो मैं बताती हूँ आगे ऐसे. अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाला मिक्स, जैसे मैंने दिया है 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून क्लोव पाउडर यानि लौंग की पाउडर, 1/4 टीस्पून बड़ी सौंफ की पाउडर यानि फेनल, 1/4 कार्डमम पाउडर और एक पिंच सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है. उसी के साथ इसमें डालना है 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसको एक अच्छा मिक्स देना है. साथ ही में डालने हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स. यहाँ पे लिया है मैंने एक केक टिन जिसको मैंने बटर पेपर लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है. बटर पेपर ना हो तो आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हो. अब डाल देंगे इसमें केक मिक्स और इसको दे देंगे 2-3 टैप ताकि जो भी एयर बबल्स है, एयर पॉकेट्स है, वो रिलीज हो जाए. और इसको हम रख देंगे प्री हीटेड कुकर में जो मैंने 10 मिनटों से लो फ्लेम पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था. अगर आपके पास अवन है तो 180 डिग्री सेल्सियस के लिए उसको प्री हीट कर दे और रख दे 15-20 मिनट्स के लिए. उसके पहले मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है. अभी कुकर में आप सैंड भी ले सकते हो, सॉल्ट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको ऐसे दिखाया है, मैंने कुछ भी लिया नहीं है. अभी इसको हम डाल देंगे कुकर में और लो फ्लेम पे ढक के कुकर को एक 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे. 20 से 25 मिनट हो गए हैं, देखेंगे हमारा केक हुआ है या नहीं. वाओ, अच्छी तरह से हो गया है. अभी टूथपिक एक इंसर्ट करके देखेंगे, अगर टूथपिक क्लीन आ रहा हो तो केक हो गया है हमारा. अभी केक को बाहर निकल के 20-25 मिनट्स रेस्ट के लिए रख देंगे वायर मेश.
20 से 25 मिनट हो गए हैं, केक कूल हो गया है, चाकू की मदद से इसके साइड्स लूजन अप कर देंगे और इसको पलटी करके इसका बटर पेपर निकाल के केक को हम प्रेजेंट करेंगे। आप प्लम केक ऐसे ही खाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से शुगर ड्रिजल करके दिखा। तो फ्रेंड्स टडा, हमारा प्लम केक बन गया है। इसको मैंने स्नोफॉल की फील दिए है शुगर ड्रिजल करके। तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल भी प्रेस कर दीजिए। मैरी क्रिसमस, टेक केयर, बाय बाय। इस क्रिसमस पे ये ज़रूर ट्राई कीजिए।